हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी जर्नी। तो दुबई के लिए सबसे पहले तो जब मैं प्लानिंग कर रहा था तो वीज़ा की लिए सोचना था। तो अगर आपके पास कोई यूएस या यूके का टूरिस्ट वीज़ा भी है तो आपको ऑन अराइवल दुबई में वीज़ा लग सकता है। बट बिकॉज मेरी बेटी के पास हमारे बेटी के पास टूरिस्ट वीज़ा नहीं है यूएस का, सो हमने ऑनलाइन प्री वीज़ा अप्लाई करने का सोचा। सो दुबई ट्रैवल करने के लिए आपको पहले तो एक ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद जब आपको वीज़ा आ जाए, वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स वी विल टॉक इन सम वाइल, और उसके अलावा आपको अपनी फ़्लाइट टिकट्स आप बुक करा सकते हैं। प्रेफर कीजिए कि डायरेक्ट फ्लाइट हो दुबई के लिए, बिकॉज कोविड टेस्ट में वो हेल्प करती हैं। और आपको अपने ट्रैवल से करीब 48 से 72 आवर्स से पहले अपने घर में या कहीं भी अपने एरिया में कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा ICMR अप्रूव्ड लैब से। हमने अपने घर में लाल बाग लैब्स इन अमृतसर से एक कोविड टेस्ट एट होम बुक कराया, और आप देख सकते हैं जैसे मेरी वाइफ टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद, सिर्फ 2 मिनट का प्रोसीजर है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है बट बहुत ही आसान था। अब बात करते हैं वीज़ा के लिए। तो अगर आपको वीज़ा पहले से ही वीज़ा लेके दुबई जाना है तो उसके लिए आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक पासपोर्ट का स्कैन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पैन कार्ड की ज़रूरत है, दैट्स इट। एंड हमने muzaffar.com से एक प्री अरेंज वीज़ा लिया और हमें कॉस्ट आई 6600 प्लस 900 फॉर इंश्योरेंस। So starting our journey to Dubai. Say hi. We're going to Dubai. Bolo, say bye. At the airport entry, there's a checkpoint. Chalo. Say bye. Sakshi, bye. Sakshi is going to Dubai. Sakshi. Sakshi, bye. See you. I love you. See. Wow. Wow. So everyone. जनरली जैसे ही आप एयरपोर्ट एंटर करते हैं तो आपकी कोविड रिपोर्ट जो नेगेटिव है, जो कि आपके डिपार्चर टाइम से 96 आवर्स के विदिन होनी चाहिए, उसका जो सैंपल कलेक्शन डेट है वो। एंड उसके बाद वो आपको चेक इन आसानी से, आप नॉर्मल चेक इन प्रोसीजर से अंडरगो करते हो, आपकी टिकट, बोर्डिंग पास इशू करते हैं, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा चेक करते हैं, देन यू कैन गो थ्रू इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन इंडिया में भी कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए, और हमें पूछा गया आप पूरे शाम को अपने जा रहे हैं। वी आर इन अमृतसर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट and it is like a lounge itself. This is a very good nice sitting area, and Takshvi is enjoying here because it's all empty. Takshvi is doing bhagi bhagi. Takshvi is, where is Takshvi going? Takshvi is going Gunni? Which place? Mother, Dubai. Where are you going? Dubai. Say? Dubai. Dubai. Takshvi सब जगह भाग रही थी, और ये एक रेस्टोरेंट था जो बंद था और कंप्लीटली सैनिटाइज एरिया था। स्लीप हियर, स्लीप ऑन द बेड। हियर हियर ताक्षी, दिस बेड। One blue color, one pink color. Which color? Blue and pink. Which color? Blue. Blue and pink. चलो एरोप्लेन कहाँ था अक्षी? वेरी एरोप्लेन।
Where is aeroplane? Where is aeroplane? हमारे लिए एक बहुत ही लकी बात हुई के और अच्छी बात के एयरलाइंस ने हमें देखा कि हमारे साथ एक इन्फेंट है, तो हमारे लिए मिडल सीट भी एम्प्टी रखी और हमें जो रो दी उसमें सिर्फ मिड आइल और विंडो सीट ही पे हमें अलॉट करी और मिडल सीट किसी को अलॉट नहीं करी। बेबी के लिए और ताक्षी के लिए हमने सेमी ड्राई फ्रूट पैक किया था, हमने दलिया पैक किया था। ताक्षी रियली लाइक्स दलिया अलॉट एंड पुलक लाइक्स टू फीड हर टू, बट वो हमेशा कार्टून देखकर ही दलिया खाती है। तो एक हाथ में मैं ये वीडियोग्राफी कर रहा था और एक हाथ में मैं उसको कार्टून दिखा रहा था ताक्षी को, यू कैन सी। Which cartoon you want to see? Which one? Which one? Uncle. Uncle वाली आर्ट कार्टून थोड़ी होती है कोई। कौन सी कार्टून देखी? Uncle. Uncle कोई है ही नहीं। सुंदर ये आइलैंड का व्यू ऊपर से नजर आ रहा था और उसके बाद ही जैसे ही लैंड चालू हुआ यूएई का आई थिंक और दुबई के आसपास का, तो बहुत ही स्टार्क कंट्रास्ट के इतना अच्छा ओशन और साथ ही रेगिस्तान चालू हो गया। और अगर आप एयरप्लेन में सही साइड पे बैठे हैं, अगर दुबई वाली साइड फेसिंग बैठे हैं, तो आपको ये बहुत ही एक अच्छा सा व्यू, पूरा स्काईलाइन दुबई का और ये सैंड उड़ती हुई, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। दुबई में लैंड होने के बाद जो अराइवल प्रोसेस है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो अराइवल हो साथ ही जैसे आप लैंड करके बाहर निकले और टर्मिनल पे पहुँचेंगे, तो आपका एक लाइन बना दी जाएगी, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में एक लाइन बना दी गई और कोविड नेगेटिव टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले मांगी गई और चेक किया गया। एक बहुत ही अच्छी बात दुबई एयरपोर्ट की थी कि बिकॉज हमारे साथ एक किड था, तो हमें लाइन में सबसे आगे लेके जाया गया और बहुत ही आसानी से विदिन 5 मिनट्स हमारा इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन में कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ हमारे पासपोर्ट पूछे और बोला कि आप घूमने आए हैं, दैट्स इट। एंड इमिग्रेशन के बाद आपको एक कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा ऑन अराइवल, एंड सिर्फ छोटे बच्चों का कोविड टेस्ट नहीं होता, सो सिर्फ मेरा और मेरी वाइफ का कोविड टेस्ट हुआ। और उसके बाद एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको साइन करना पड़ता है कि जब तक आपकी ये रिपोर्ट नहीं आती यू विल स्टे इन योर होटल। नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे कि कैसे आप एयरपोर्ट से एक टैक्सी लेके अपने होटल जा सकते हो, होटल में कैसे क्वारंटीन रहना पड़ेगा आपको जब तक आपकी रिजल्ट नहीं आती।
अपने रिजल्ट के लिए आप कहाँ पे चेक कर सकते हो और किससे बात कर सकते हो कि रिजल्ट कैसा है। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड कमेंट, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो दुबई ट्रैवल से रिलेटेड सो प्लीज 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 कमेंट, एंड कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।